हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज जीरो मतलब एक वॉल है और एक ब्लॉक है जिन दोनों का बीच में फ्रिक्शन को वो है जीरो पॉइंट फाइव म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है वो है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव ओके और क्वेश्चन दिया हुआ है कि देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक विल बी हमें सॉल्व करना होगा कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है ठीक है देखो जो डायग्राम दिया हुआ है ऐसा कोई डायग्राम ठीक है डायग्राम ए वाला डायग्राम है कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेन न्यूटन वाला एक फोर्स एक्ट हो रहा है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है डायग्राम से जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेन न्यूटन अगर ब्लॉक के ऊपर टेन न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा

वो कितना मिला वो है फाइव न्यूटन okay? अभी हमें सॉल्व करना है कि भाई अभी तो हमें पता चल गया है का का फ्रिक्शनल फोर्स जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन का सॉरी फाइव न्यूटन ओनली फाइव न्यूटन और डाउन हुआ डायरेक्शन पे बच्चों कितना फोर्स एक्ट हो रहा है सोचो डाउन हुआ डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है एम आपका है एम का वैल्यू कितना है एम का वैल्यू है जीरो और जी का वैल्यू कितना है जी का वैल्यू है टेन मतलब ए भी कितना मिल गया मिल गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू भी फाइव है और एम का वैल्यू भी फाइव मिल गया तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया ए भी फाइव और डाउनवर्ड भी तो, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा सेम फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा अगर बॉडी नहीं मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कितना फोर्स एक्ट हो रहा है तो मैक्सिमम कितना अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो वही बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वही तो वही तो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो एक्ट होगा क्योंकि नहीं मूव कर रहा है ना तो एम की एम के बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा एम वो कितना होगा फाइव न्यूटन इस और एक क्या एक था यह था लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है समझ में आया चलो दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ मास वन के कितना कितना ब्लॉक है

और इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया कौन सा डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई किया ठीक है ओके तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया मान लो कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया वो एफ वो कितना एंगल पे हमने अप्लाई किया फोर्स को 60 डिग्री एंगल पे अप्लाई किया तो देखो, क्या है ब्लॉक मास वन के द वॉल इज 0.50 जी का वैल्यू एक्टिंग वो है एफ आपको सोल्व करना होगा कि एफ का वैल्यू कितना होगा एफ का वैल्यू कितना होगा मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा कि इसके लिए जस्ट द बॉडी स्टार्ट मूविंग आपको आपको सॉल्व करना होगा, होगा। कि एफ का वैल्यू कितना होगा जिसके लिए जो बॉडी है ना जब जस्ट स्टार्ट होगा मूव करने के लिए मूव करने के लिए तैयार होगा बॉडी है ना सिर्फ मूव करने के मूव करेगा ओके स्टार्ट करेगा तो हमें सॉल्व करना होगा कि एफ का वैल्यू कितना देखो आपको पता चलना चाहिए और इस डायरेक्शन पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एफ, है ना, एफ का इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेट होगा वो कितना होगा एफ कॉस का वैल्यू डिग्री है और इस डायरेक्शन में जो एफ का वैल्यू है 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 कितना है? एफ थीटा थीटा ठीक डिग्री है इसमें अच्छा तो भाई देखो आपको मिल गया जितना भी फोर्स तो टोटल फोर्स देखो टोटल फोर्स बॉडी का टोटल अगर हम फोर्स का बैलेंस करेंगे तो आप डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एन प्लस कितना एक्ट हो रहा है एन प्लस एफ साइन सिक्सटी इक्वल्स टू कितना है एम होगा ठीक है तो इसका मतलब आपको एन मिल गया एन इक्वल्स टू कितना मिला एम माइनस कितना मिला माइनस मिला एफ साइन सिक्सटी ठीक है समझ में आया समझ में आया अच्छा ए मिला आपको अच्छा इसको लिख देता हूं एम जी माइनस एफ साइन सिक्सटी का वैल्यू कितना है रूट थ्री बाई टू ठीक है देखो बॉडी कब मूव करेगा ए, जब ए हॉरेजेंटल फोर्स और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्टर है वो है फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन ए फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ी ज्यादा अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू होता है देखो एफ फोर्स तो है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना इसका वैल्यू अगर फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा ज्यादा होता है तो बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग तो मतलब आपको सॉल्व करना होगा कि भाई अगर अगर ये जो f cos थीटा है अगर ये जो f cos थीटा है f cos थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है ठीक है किसके किसके किस साथ f r फ्रिक्शन फोर्स के साथ तो तभी क्या होगा बॉडी मूव करेगा ठीक है तो देखो थीटा का हमें तो पता है कि भाई cos थीटा 60 डिग्री cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है तो हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है भाई μ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू एन होता है तो आपको ऑलरेडी पता है क्या एन का वैल्यू कितना है एन का वैल्यू और म्यू का भी वैल्यू आपको पता है, है और जो आपको एन का वैल्यू पता है वो है एम जी माइनस एफ रूट थ्री बाई टू ठीक है समझ में आया समझ में आया आपको ओके okay. तो क्या हम लिखेंगे इधर तो हमें क्या लिख सकते हैं ना इसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो अगर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें टू आउट हो जाएगा और जो रहेगा वो होगा इधर एम जी माइनस एफ रूट थ्री बाई टू इसका मतलब ए हो गया आपका एफ प्लस एफ रूट थ्री बाई टू ग्रेटर इक्वल्स टू एम जी ठीक है तो इसका मतलब एफ को कॉमन ले लेते हैं टेक एफ कॉमन तो वन प्लस एफ के साथ कितना था तो रूट थ्री बाई टू हो जाएगा इसमें हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री बाई टू ग्रेटर इक्वल्स कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा सही ना तो ए हो जाएगा एफ उसके साथ टू प्लस रूट थ्री बाई कितना होगा बाई टू हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू एम जी इसका मतलब हमें मिल गया कि भाई एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए टू एम जी बाई कितना टू प्लस रूट थ्री आपको तो पता है तो हमें लिखना पड़ेगा एम का वैल्यू कितना है वन के जी सो टू इन टू वन इंटू ठीक है जी का वैल्यू कितना है टेन है बाई टू प्लस रूट थ्री टू प्लस रूट थ्री तो एफ का वैल्यू हो गया कितना ट्वेंटी बाई टू प्लस रूट थ्री ठीक है तो इसको सॉल्व करना होगा हमें तो एफ़ का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एफ़ ग्रेटर ट्वेंटी इंटू टू माइनस ठीक है ओके अच्छा इसको ऐसे ही रख दो क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही है और इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप सॉल्व करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा ओके समझ में आया क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू कितना है वन पॉइंट सेवन ओके तो इसको सॉल्व कर दो सॉल्व करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा टू बाई ट्वेंटी बाई कितना टू प्लस वन पॉइंट सेवन इसका मतलब आपको जो फोर्स का वैल्यू मिला वो कितना मिला ट्वेंटी बाई थ्री पॉइंट सेवन इसको सॉल्व कर दो आंसर मिल जाएगा ओके okay, समझ में आया